I'm audible to everyone. Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Asya, Anubhav, Harshit, Manas, Saksham, Sivang, you have joined, okay? Let us wait for someone else also to join. Manasvin has not joined. And someone else may not be there. Saksham is there. Yeah, Saksham is there. So in last class, you were asking that you have doubt in finding F inverse of fx of some function. Can you tell me what was that function? I don't remember. हेलो, किसको प्रॉब्लम थी? स्वांग को थी या किसी और को थी? सर यश था वो। अच्छा, सर नहीं, यश को प्रॉब्लम थी। यश ने भी ज्वाइन नहीं किया। ओके, और किसी की कोई प्रॉब्लम? यस सर, सर मुझे इनवर्स नहीं समझ में आया। इनवर्स फंक्शन कैसे करते हैं वो नहीं समझ में आया। तो इनवर्स फंक्शन का जो स्टेप्स है, जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर लेके तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। सपोज स्टेप तो वो स्टैंडर्ड स्टेप है जो मैंने बताया था। अब इफ यू वांट टू फाइंड सपोज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, लेट मी टेक मैं एक सिंपल सा ही फंक्शन अभी ले रहा हूँ जो लास्ट क्लास में भी मैंने लिया था। सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। सो लाइक इफ यू हैव बीन गिवन अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड द फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम, मे बी ये वाला मैंने लिया था या कुछ और लिया था, जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था मुझे याद नहीं है। एनी वेज मैं ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ और द फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम 0, ∞ टू 1, ∞। तो इसका जब तुम मैपिंग करोगी, जब ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे हम लोग, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो ग्राफ आएगा वो एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स 0, 1 होगा और हम डोमेन ले रहे हैं 0 से ∞, तो हम बस राइट पोर्शन लेंगे। ठीक है, वैसे अगर हम पूरा डोमेन लेते हैं, पूरा रियल नंबर लेते हैं, तो हमारे पास पूरा का पूरा पैराबोला इस तरीके से आता है। लेकिन हम पूरा पैराबोला नहीं ले रहे हैं, हम बस रेड वाला ले रहे हैं, पर्पल वाला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डोमेन इज फ्रॉम 0 to ∞। इज दिस क्लियर आसिया? यस सर। ठीक है, तो हम ये वाला पर्पल वाला पोर्शन हटा देते हैं और जो इसका रेंज है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, इज फ्रॉम 1 to ∞, 1 से ∞ तक ऊपर तक चला जाएगा। तो बेसिकली इसका जो डोमेन है और जो कोडोमेन है उसको ऐसा सिलेक्ट किया गया है कि दिस फंक्शन प्रूव्स टू बी अ 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ये तो क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है? यस सर। ठीक है, अब 1-1 एंड ऑन टू हो गया तो इसका इनवर्स तुम्हें निकालना है। जब इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या करोगे कि फर्स्ट स्टेप इज ये एफ एक्स को हम वाई मान लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमारा पर्पस होता है कि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस करें। अर्लियर इट इज गिवन वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, और उसके बाद एक्स को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस वन। नाउ द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएगा। अब हमें क्या लेना है, तो एक्स जो है विच इज एक्चुअली द डोमेन हेयर, इज यू कैन सी द एक्स इज द डोमेन, ये 0 से ∞ है, विच मीन्स इट इज अ नॉन निगेटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहा है। तो जब नॉन निगेटिव वैल्यूज को ले रहा है तो हम यहाँ पर माइनस को नहीं ले सकते, माइनस इज रिजेक्टेड
एंड x इज रिटन एज रूट ओवर y माइनस वन. तो पहला काम ये होता है कि x इन टर्म्स ऑफ y हम करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमने कर लिया. सेकेंड स्टेप क्या होता है कि x और y को इंटरचेंज करना होता है, वी इंटरचेंज x एंड y. तो x विल बिकम y एंड y विल बिकम x. ठीक है, इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हम y और x को बाद में इंटरचेंज करेंगे. जैसे हर्षित ने कहा था कि शुरू में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो एक तरीका है वैसे फॉलो करना है. वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन हो गया. जब ये इंटरचेंज करेंगे तो दिस वाई इज बेसिकली द इनवर्स फंक्शन, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन. ये इनवर्स फंक्शन हो गया ये रेड वाले ग्राफ का. अब इसको तुम जब प्लॉट करोगे तो एज यू कैन सी हियर, अगर मैं इसका इनवर्स ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो इसमें जो डोमेन होगा which will be the range of the original function, 1 comma infinity tha range. So f inverse ka jo domain hoga, that will be 1 comma infinity. Aur jo iska range hoga, wo hoga 0 comma infinity. Asya, clear hai ye? Yes, sir. Theek hai. To ab hum is function ko jab plot karenge, to this function will be something like this. Function aise karte hain. Aise kuch aayega. Sorry. Not like this. But like this, 1 comma infinity, 1 comma infinity, graph ऐसे even. तो अगर तुम इस graph को देखोगे, तो this graph is actually mirror image of each other. दोनों graph, blue और green वाली graph, mirror image about each other है, about the line y is equal to x. तो inverse function की ये property है कि दोनों graph एक दूसरे के mirror image होते हैं about the line y is equal to x. तो यही प्रोसेस है इनवर्स फंक्शन निकालने का. इज इट ओके? यस सर. सो जस्ट नोट दिस डाउन. और किसी का कोई डाउट है? नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अब हमें करना है, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं. दो टॉपिक रह गए हैं और उन दोनों टॉपिक को हमने थोड़ा ब्रीफली स्टडी किया भी है जब हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आई एम इरेजिंग दिस. आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस, एवरीवन हैज जॉइंड आल्सो. अभिनव वेलकम टू दिस क्लास. सो we are doing even an odd function and जो तुम्हारा portion अभी बीच का रह गया उसको हम लोग बाद में कर लेंगे. ठीक है? ठीक है सर. So basically even and odd functions as we slightly studied earlier also, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं. तो if a function f of minus x is equal to f of x, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस function को हम कहते हैं कि this is an example, this is an even function. एक even function हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ. तो इसमें एक बात ये ज़रूर समझ लेना कि अगर एक्स डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स भी डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करेगा. ठीक है, अगर हम बस एक्स को डोमेन में ले लें और माइनस एक्स को नहीं लें तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ एन इवन फंक्शन. तो एक्स और माइनस एक्स दोनों डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करेंगे और एफ ऑफ माइनस एक्स इज विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो निगेटिव इनपुट है उसके लिए जो आउटपुट हमें मिलने वाला है और जो पॉजिटिव इनपुट है उसके लिए भी आउटपुट जो हमें मिलने वाला है दोनों सेम है. सो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, जैसे कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो दिस इज अ ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसमें कह सकते हैं हम कि अगर टू पे आउटपुट देखें या माइनस टू पे आउटपुट देखें तो दोनों पे आउटपुट सेम आएगा, दैट वुड बी फोर एक्चुअली, टू का स्क्वायर एंड माइनस टू का स्क्वायर. एंड फर्दर
इसको अगर ज्योमेट्रिकली हम एक्सप्लेन करना चाहें, ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहें, तो कह सकते हैं कि दिस इज अ मिरर इमेज, जो इवन फंक्शन होता है दैट इज मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, ऑलवेज ऐसा दिखेगा कि इट इज मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। अगर मान लो हम गलती से ऐसा कर देते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है एंड दिस फंक्शन इज एफ एक्स, दिस फंक्शन इज फ्रॉम माइनस टू कॉमा फोर से लेके फोर कॉमा सिक्सटीन, ऐसा ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डोमेन यहाँ पर कंसिडर किया है वो डोमेन माइनस टू से फोर तक का ही कंसिडर किया है। तो क्या उस केस में इस फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाएगा? अगर ये कंडीशन लगा देते हैं हम लोग तो क्या इसको इवन फंक्शन कहा जाएगा? ग्राफ वही है लेकिन डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। हाँ मानस नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सर क्योंकि जो फोर है उसका माइनस फोर नहीं मिलेगा। हाँ तो बेसिकली ये माइनस टू कॉमा टू अगर होता तो बात बन सकती थी, या फिर माइनस फोर कॉमा फोर होता तो भी बात बन सकती थी, क्योंकि जैसे हम जान रहे हैं कि एक्स अगर डोमेन ऑफ एफ में है तो माइनस एक्स को भी डोमेन ऑफ एफ में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइनस टू से फोर है तो टू से लेके फोर तक के जितने भी इनपुट्स हैं उसका निगेटिव वाला इनपुट नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका भी ध्यान रखना है कि हमारा डोमेन क्या दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको इवन फंक्शन कह सकते हैं। दिस इज नॉट इवन, दिस इज नॉट इवन। फर्दर कोई और एग्जांपल तुम अपने से दो, तुम लोग को और कौन कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन लगता है? इतने सारे टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े हो, बता सकते हो और कौन सा? मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स इज करेक्ट, और साइन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, साइन एक्स नहीं होता है। और कोई फंक्शन याद आ रहा है? sec x भी हो सकते हैं। हाँ sec x भी हो जाएगा, cos x है तो sec x भी हो जाएगा। cot x, cot x नहीं होता है। cot x का ग्राफ तुम्हें याद होगा, cot x का ग्राफ इस तरीके से जाता है, ऐसे ऐसे। तो ये मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस नहीं है। मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस होता तो कैसे होना चाहिए था? ऐसे और ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होता cot का ग्राफ, cot का ग्राफ ऐसे होता है। It is not an even function. ठीक है, वैसे भी cot of minus x is minus cot of x. This is actually odd function. Sir, x की कोई भी even powers. X की कोई भी even power है, that is correct. तो आई थिंक इवन फंक्शन सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग ऑड फंक्शन देखते हैं। तो ऑड फंक्शन में ये होता है, इसको मेन वाइज नोट। हाँ बोलो सर, हम हाँ मैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ओके, कांस्टेंट फंक्शन इज एक्चुअली एन इवन फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन ले सकते हैं, इट इज एन इवन फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन तुम कुछ भी इनपुट ले लो उसका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स हमेशा बराबर होते हैं। सर ये इवन जो मैंने बोला ना पावर, तो एक्स टू द पावर जीरो में भी वही रहेगा? हाँ वही हो गया, बेसिकली वही हुआ। कॉन्स्टेंट फंक्शन इज एक्चुअली एक्स टू द पावर जीरो। Next is we have odd function. So f of minus x is equal to minus f of x होता है odd function के लिए। और इसमें भी यही condition होती है कि x belonging to domain of f as well as minus x is also belonging to domain of f. नहीं भी लिखते हो तो it is understood, बस x के बारे में लिखोगे तो minus x भी follow करेगा साथ साथ में। There is doubt from someone in the chat box. Can we call fx is equal to 1 an odd function, sir?
No, Yashwardhan, how can you call fx is equal to 1 an odd function? Because it is not a constant, it is a constant function, na? Constant function to even function. क्योंकि अगर तुम f of x is equal to 1 ले रहे हो, if you are taking f of x is equal to 1, which means it is a constant function. So f of 2 is also 1 and f of minus 2 is also 1, which means f of minus 2 is equal to f of 2. This is a property of even function. सर ये जो इवन और ऑड फंक्शंस हैं मतलब हमें चेक करने के लिए उनकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी जैसे f of minus x equal to fx या फिर ये चीज मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस दोनों में से कुछ भी जो तुम्हें बेटर लगे अगर ग्राफ बना के चेक कर सकते हो तो वैसे कर लो ग्राफ बना के सर अगर एक फॉलो हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं ऐसा कैसे होगा जब उसका डेफिनेशन फॉलो होगा तो उसका ग्राफ भी फॉलो करेगा दोनों दोनों तो एक ही चीज है ना बस एक रिप्रेजेंटेशन है उसी का ओके ओके सो आई एम इरेजिंग दिस ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो बता सकते हो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ऑड फंक्शन के रेसिप्रोकल फंक्शन रेसिप्रोकल 1 बाय x की बात कर रहे हो यस सर ठीक है वन एफ एक्स इक्वल वन बाय एक्स इज करेक्ट ये ऑड फंक्शन होगा साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स हाँ वो तो हो गई और कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बता सकते हो जो टाइप ऑफ फंक्शंस में पढ़े हो उसमें एक फंक्शन तुम्हें याद होगा log नहीं log तो माइनस एक्स के लिए डिफाइन ही नहीं होता है तो वो तो ना इवन होगा ना ऑड होगा सर सिग्नम फंक्शन हाँ सिग्नम फंक्शन इज एक्चुअली लाइक दिस ये इंक्लूडेड नहीं होता है और यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं होता और ये ओरिजिन इंक्लूडेड होता है तो दिस इज एक्चुअली एन ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए तुम ज्योमेट्रिकली ये कह सकते हो कि इट इज मिरर इमेज of each other in diagonally opposite quadrants. और एक बात जरूर ध्यान रखना इवन ऑड फंक्शन के लिए कि कोई भी एनी ऑड फंक्शन इज एक्चुअली हैविंग दिस प्रॉपर्टी दैट Harshit is saying all trigonometric ratios except cos and sec. Yes, Harshit, it is correct. Any odd function के लिए याद रखना कि function की value zero पे हमेशा zero होती है क्योंकि वो graph हमेशा origin से pass करेगा ही करेगा. Even function के लिए ऐसा कुछ नहीं है. Even function के लिए तुम ऐसे करके ऐसे बना तो ये origin से pass नहीं कर रहा. Still it is even. लेकिन odd function के लिए जीरो पे जो वैल्यू आएगी वो जीरो ही आएगी कैन यू प्रूव दिस यस सक्षम एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन कैन यू प्रूव दिस एनी ऑड फंक्शन की जीरो पे जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है सर बिकॉज fx इक्वल्स सॉरी माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल जो होता है एफ इक्वल एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स होता है और माइनस लगाओगे आगे से तब भी जीरो का भी कुछ लगाओ तब भी रहेगा क्या क्या कुछ तो सही बोले हो उसके आगे मुझे सुनाई नहीं दिया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल सर मतलब जो उसकी वैल्यू आ रही है अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड जीरो मिल रहा है उसके आगे का साइन मैटर नहीं करेगा हाँ ठीक है लेकिन इसको तुम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो इसमें भी अगर जीरो उसके डोमेन में है तब जीरो अगर डोमेन में नहीं है तो फिर तो सोचना ही नहीं है लेकिन जीरो अगर डोमेन में है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ दिस वी नो दिस इज द डेफिनेशन अब अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा जाए तो वो भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि एक्स की हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है which means f of minus 0 is equal to minus f of 0 होना चाहिए और minus 0 is same as 0
एफ जीरो इज इक्वल टू माइनस एफ जीरो होना चाहिए। अब इसको दोनों को एक साइड ले जाओगे तो टू टाइम्स ऑफ एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, विच मीन्स एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो अगर फंक्शन के डोमेन में है तो जीरो पे जो आउटपुट मिलेगा वो जीरो ही मिलेगा। मानस ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू विल बी एन ऑड फंक्शन और नॉट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पहले ये क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया है, एफ जीरो इज जीरो ऑलवेज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अब मानस ने क्वेश्चन पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस टू क्या वो ऑड फंक्शन है। तो एक्स क्यूब के बारे में तो हमें पता है कि वो ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब जो फंक्शन है वो इस तरीके का है, दिस इज एन ऑड फंक्शन, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम एक्स क्यूब प्लस टू की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू, तो इसका मतलब है इसके ग्राफ को हमने अपवर्ड शिफ्ट कर दिया बाई डिस्टेंस टू। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, दिस पॉइंट इज जीरो पॉइंट। तो एक्स क्यूब प्लस टू का ये ग्राफ है, और एक्स क्यूब प्लस टू का ये ग्राफ क्या तुम कह सकते हो ये डायगनली अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है क्या? इसका मिरर इमेज नहीं है, और ये ओरिजिन से पास भी नहीं कर रहा, जीरो पे वैल्यू टू दे रहा है, और जीरो पे वैल्यू जीरो होनी चाहिए फॉर एनी ऑड फंक्शन। तो दिस इज नीदर ऑड नॉट इवन। क्या बोल रहे हो? f of x 1 by x वो नहीं होगा ना? f x is equal to 1 by x ये वाला जी सर, ये odd, ये होगा odd function है ये सर। पे f of x तो 0 नहीं है ना? नहीं तो f वो तो domain zero. में नहीं है ना? हाँ, f 0 domain में नहीं है। इसके डोमेन में क्या होगा? x belonging to real number except 0. डोमेन में होता तब, डोमेन में जब है ही नहीं तो चेक कहाँ से करेंगे? fx is equal to 1 by x का ग्राफ ऐसा बनेगा, fx is equal to 1 by x का इस तरीके का ग्राफ बनता है, ऐसे और ऐसे। तो it is diagonally opposite quadrants में एक दूसरे का मिरर इमेज है। जीरो पे इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है वैल्यू, इसलिए हम उसको डोमेन में नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर डोमेन में होता तो फिर तो हमें f0 0 ही मिलता। Is it clear to everyone? There is sign yes, sir. Okay. Anubhav is asking greatest integer function odd function है क्या? No, अनुभव नहीं है, उसका तुम ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो, वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि As you can see, ये पहले नोट कर लो, मैं उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ। सर हाँ सर, स्क्वायर रूट फंक्शन कौन सा होगा? स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ भी नहीं होगा। स्क्वायर रूट फंक्शन तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स का जो डोमेन है वो एक्स है, माइनस एक्स तो उसके डोमेन में है ही नहीं, तो हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आर प्लस की डोमेन ले तो आर प्लस अगर डोमेन ले रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली ये लेंगे जीरो से इन्फिनिटी, हाँ इधर भी जीरो से इन्फिनिटी ले दो, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स, इसलिए तो हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास डोमेन में प्लस एक्स है तो माइनस एक्स भी होना चाहिए, जैसे टू है दैट बिलोंग्स टू द डोमेन, बट माइनस टू डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन। तो इसमें हम चेक ही नहीं कर सकते हैं, इसमें इवन फंक्शन बोल ही नहीं सकते या ऑड फंक्शन भी नहीं बोल सकते, ऐसे भी इसका मिरर इमेज नहीं अबाउट द वाई एक्सिस या डायगोनली अपोजिट क्वाड्रेंट। यस सर। मानस ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कैसा फंक्शन है, बता सकते हो? उसने आंसर भी दे दिया है खुद से। इट इज द ओनली फंक्शन
it is the only function which is even as well as odd. Simultaneously. मतलब x axis, fx is equal to 0 का मतलब हुआ x axis. Clear है ये? Yes. तो greatest integer का graph में बनाना चाह रहा था. Greatest integer का graph कुछ ऐसा होता है. If you draw the graph of greatest integer. ये डायगोनली ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में मिरर इमेज नहीं है, एज यू कैन क्लियरली सी. डायगोनली ऑपोजिट क्वाड्रेंट में एक मिरर इमेज कब होता है? जब ग्राफ कुछ इस तरह का हो रहा होता है कि ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, और फिर ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, तब डायगोनली ऑपोजिट क्वाड्रेंट में मिरर इमेज होता है. लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं है. इज इट ओके? Yes, sir. So now the question arises कि अगर कोई function अगर even function नहीं है, odd function भी नहीं है, लेकिन उसको हमेशा हम even और odd function के sum के रूप में लिख सकते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं? Let us see. ये मैं erase कर रहा हूँ. Any function fx can be written as f of x 2 times by 2. ये थोड़ा manipulation कर रहे हैं. 2 times fx by 2, which means fx plus fx by 2. fx को हम ऐसा लिख सकते हैं. Fractional part function सक्षम even नहीं है. Again same reason है. Fractional part का अगर तुम्हें graph याद होगा तो ऐसा होता है. It is not mirror image about y-axis. Clearly, mirror image कब होता? जब ऐसे होता, ऐसे, 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 ऐसे. लेकिन fraction part ऐसा नहीं होता, ऐसे. fx plus fx by 2 कर दिया. अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? F of minus x को add कर देता हूँ. और f of minus x को subtract कर देता हूँ. Same चीज से add किया, same चीज से divide किया. Subtract किया और 2 को अलग कर दिया. Now if you see this fx function को हमने दो function के sum के रूप में लिखा है. एक function ये वाला है और एक function ये वाला है. जो पहला function उसको हम gx कह सकते हैं और दूसरा function hx कह सकते हैं. If you see gx, gx is actually fx plus f of minus x upon 2. ये है gx. अगर तुम g ऑफ माइनस x लेते हो तो क्या बन जाएगा? f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ माइनस x विल बी प्लस x अपॉन. तो g ऑफ माइनस x और gx दोनों इक्वल है, दोनों सेम चीज है. g ऑफ माइनस x एंड gx बोथ आर सेम. तो ये जो g फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये एक्चुअली एक इवन फंक्शन है. fx प्लस f ऑफ माइनस x बाई 2 जो है वो एक इवन फंक्शन है. अच्छा, जो दूसरा वाला फंक्शन हमने लिया है उसके बाद उस फंक्शन को एच एक्स माना है और एच ऑफ एक्स के साथ भी हम वैसे ही करते हैं कुछ. तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2. और अगर एच ऑफ माइनस एक्स लेते हैं तो दिस विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस, और एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी प्लस एक्स बाय 2. अब यहां से इसको हम उल्टे ऑर्डर में लिख देते हैं. माइनस साइन को कॉमन लें. माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2. और ये जो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 है, दिस इज एक्चुअली एच एक्स. तो हमें क्या मिल गया कि एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ एक्स. इसका मतलब ये है, ये वाला जो फंक्शन हमारे पास है, दूसरा वाला एच एक्स, इट इज एन ऑड फंक्शन. तो दुनिया का कोई भी फंक्शन हो उसको हम दो फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से एक फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा, एक फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा.
उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक में फंक्शन प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू कर देना, एक में एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू कर देना, ओवरऑल ये वही रहेगा जो एफ एक्स है। Is this okay? Yes, sir. अगर इवन या ऑड नहीं है तो ऑल फंक्शंस आर सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। So let us see few questions on even and odd functions. तो तुम्हें मैं कुछ functions दूंगा और उसके बारे में ये पता करना है कि वो even या odd function है, क्या है, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो, ना even हो ना odd हो। So I'm erasing this portion. Find the nature of the function whether it is even or odd. पहला क्वेश्चन है fx is equal to सर जो हमने लास्ट चीज प्रूव करी थी वो कोई ऐसे फंक्शन के लिए जो दोनों में से कुछ भी नहीं है। हाँ सर, अगर कुछ हो गया मतलब अगर कुछ हुआ तो भी ये वैलिड होगा क्या? कुछ हो गया तो भी उसको लिख सकते हो, जैसे sin x है तो sin x को क्या लिखोगे? Sin x plus 0. Now sin x is an odd function. Yes, sir. And zero is तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले लो zero को, यहाँ पर even ले लो, sum of even function and odd function तो बन ही गया ना फिर भी। Okay, sir. लेकिन already जब वो odd है तो उसको जबरदस्ती plus zero करके क्या करना है, मतलब ठीक है odd या even कुछ है तब तो कोई tension ही नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर sum of even and odd कर सकते। So x into a to the power x minus 1 by a to the power x plus 1. Second question is fx is equal to x square minus mod of x. And third question is fx is equal to sin x plus cos x. Find the nature of these functions, whether they are even or they are odd. तो सब में ऐसे ही करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है और चेक करना है कि क्या वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। फर्स्ट वन का मानस ने आंसर दिया है कि इट इज एन इवन फंक्शन। ओके, लेट अस सी व्हाट आर द आंसर्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। First is even by Yashwardhan also. Harshit has given the answer of all three. First one is even, second one is even, and third one is none. So correct, Harshit?
सक्षम फर्स्ट इज इवन यशवर्धन सेकंड इज आल्सो इवन थर्ड इज नन मानस सेकंड इज इवन ओके तो अभी तक सबके आंसर सही आ रहे हैं इवेंट सक्षम ओके ओके तो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन योर आंसर बाकी लोग भी कर ही रहोगे हो जाएगा तो बस ये मैं शॉर्ट में कर देता हूँ और माइनस एक्स पुट करते हैं एक्स की जगह तो दिस विल बी माइनस एक्स दिस विल बी ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन इसको लिखेंगे माइनस एक्स और ये हो जाएगा वन बाई ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई वन बाई ए टू द पावर एक्स प्लस वन उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस एक्स और ये हो जाएगा वन माइनस ए टू दी पावर एक्स ये हो जाएगा वन प्लस ए टू दी पावर एक्स जो डिनोमिनेटर का दोनों में ए टू दी पावर एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा फिर माइनस साइन अब्सॉर्ब कर लेंगे तो एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स माइनस वन और नीचे ए टू दी पावर एक्स प्लस वन विच इज एक्चुअली द फंक्शन एफ एक्स ठीक है फर्स्ट वन इज एन इवन फंक्शन Anubhav has also given the answer. Saksham has also given the answer. So is this clear to everyone about this one? This is an even function. Asya, clear hai? Yes, sir. Sir, aapne end last ke step pe minus common le liya. A minus common le liya. Okay, sir. दूसरा वाले में भी मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर इसमें f ऑफ माइनस एक्स अगेन लेते हैं तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का मॉड माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है और माइनस एक्स का मॉड जो होगा वो एक्स के मॉड के बराबर होता है दिस इज नथिंग बट f ऑफ एक्स अच्छा बीच में माइनस साइन था वो तो कोई इशू नहीं है मॉड के बाहर तो माइनस जाएगा नहीं दिस इज तीसरा वाला ना इवन है ना ऑड है तो क्या उसको सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हैं और इसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन यस सर एक्चुअली ये ऑलरेडी दो फंक्शन का सम दिया हुआ है जिसमें से एक इवन एक ऑड दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन इसके लिए वो मेहनत भी नहीं करनी होगी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू then f of x minus f of minus x by 2 वो सब करोगे तो यही निकल के आएगा डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है कि एक ऑड है कि इवन है थर्ड तो उसको नन ही कहेंगे ना क्या थर्ड को नन कहेंगे ना Now let us come to the topic periodic function. इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ तो ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में भी देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं साइन कॉस सेक कॉस सेकेंड का पीरियड 2π होता है और टैन और कॉट का पीरियड पाई होता है That is called the fundamental period. तो periodic function हम किसको कहते हैं कि अगर f of x plus t is equal to f of x होता है for all x belonging to domain of f. तो हम इसको periodic function कहते हैं where t is some constant independent of x. और जो smallest t होता है smallest पॉजिटिव पी उसको हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड क्योंकि जैसे साइन के बारे में हमें पता है कि साइन का फंडामेंटल पीरियड 2π होता है लेकिन ये भी कह सकते हैं कि साइन का पीरियड 4π होता है 6π होता है ये सब भी पीरियड ही हैं दीज आर ऑल पीरियड्स ऑफ साइन इसलिए क्योंकि 2π का मल्टीपल है अगर 2π पे रिपीट हो रहा है तो 4π पे भी होगा 6π पे भी होगा लेकिन जो सबसे छोटा टी है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टी उसको हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं और उसी को यूज करते हैं तो दैट इज एक्चुअली 2π फंडामेंटल पीरियड इज 2π उससे छोटा कोई पॉजिटिव टी तुम्हें नहीं मिलेगा
सर इसको पॉजिटिव की लगाया गया है सर, इसे पॉजिटिव की कहा गया है, नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि जीरो नहीं ले सकते ना, जीरो पे तो फिर वहीं पे चले जाएंगे। टी को अगर जीरो लेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो होता ही होता है, उसके लिए पीरियोडिक फंक्शन होने की क्या जरूरत है। सर मैं कह रहा हूं नेगेटिव भी हो सकते हैं। नहीं हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, लेने को ले सकते हैं नेगेटिव, लेकिन हम नेगेटिव लेते नहीं है, हम टी को पॉजिटिव लेते हैं। ओके सर, टी को इसलिए पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि जनरली पीरियड का कन्वेंशन ये है कि आफ्टर सम स्टेप्स इट रिपीट इटसेल्फ, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। इसमें एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, वो ये है कि ये जो दिया हुआ है ना x belonging to domain of f, इसके लिए f of x plus t is equal to f of x है। इसमें एक चीज ये समझने की है कि अगर ये periodic function है तो x अगर domain of f में belong कर रहा है तो x plus t के लिए भी ये true होना चाहिए कि that is also belonging to the domain of f। और उसी तरीके से फिर t आगे बढ़ोगे तो x plus 2t, उसके लिए भी यही होना चाहिए। मतलब ये indefinitely in minus infinity से plus infinity तक होना चाहिए। अगर तुम किसी फंक्शन को बाउंड कर देते हो, मान लो साइन एक्स का फंक्शन ले रहे हो तुम एंड यू आर टेकिंग फ्रॉम माइनस टू पाई टू फोर पाई, ये साइन का फंक्शन को हमने बाउंड कर दिया माइनस टू पाई से फोर पाई, फंक्शन कैसा बन रहा है? ये फंक्शन ये माइनस टू पाई से लेके फोर पाई तक फंक्शन, इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स पीरियड इज नॉट टू पाई। रीजन बींग कि अगर तुम्हारे पास यहां पर पाई बाई टू पे वैल्यू वन आ रही है तो पाई बाई टू प्लस पाई, जैसे टू पाई जिसको तुम कहते हो ना इसका पीरियड है, तो पाई बाई टू प्लस टू पाई विच इज एक्चुअली फाइव पाई बाई टू, इस पर वैल्यू वन आ रही है ठीक है भाई, फिर इस पर पाई बाई टू ऐड करोगे तो यहाँ पे चले जाओगे, तो ये इस पे 2 पाई ऐड करोगे तो 2 पाई इज द पीरियड एज यू अंडरस्टैंड इट, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई इसमें ऐड करोगे तो 9 पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन 9 पाई बाई 2 पे तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तुमने ग्राफ को तो बंद कर दिया 4 पाई पे, तो 9 पाई बाई 2 पे तो कोई वैल्यू 1 मिल नहीं रही है। वैसे ही अगर तुम पीछे जा रहे हो तो माइनस 2 पाई पे रोक दिया तुमने ग्राफ को, उसके पीछे भी नहीं है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, f of pi by 2 is equal to 1, sine का ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो pi by 2 plus fundamental period भी जो है domain of f में belong होना चाहिए, और ये जब domain of f में belong होगा तो ये plus t करते चले जाओ, pi by 2 plus t, फिर उसमें t add करो, that is also belonging to domain of f। वैसे ही negative side भी जाओगे, अगर t subtract भी करोगे, pi by 2 minus t, that also belong to domain of f। तो reason ये है कि अगर हम पीरियड ले रहे हैं तो आफ्टर दैट पीरियड द फंक्शन विल गिव यू द सेम आउटपुट अगेन एंड दिस कीप ऑन गोइंग इन द राइट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक यही प्रोसेस चलता रहना चाहिए। अगर तुम उसको बाउंड कर देते हो देन इट इज नॉट कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. को पहले नोट कर लो और ये चीज अच्छे से नोट कर लेना कि जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि x अगर डोमेन ऑफ f में बिलोंग कर रहा है तो x plus t, x plus 2t, x plus 3t जितना आगे चले जाओ या जितना पीछे चले जाओ x minus t, x minus 2t वो सारे भी डोमेन ऑफ f में बिलोंग करेंगे तभी उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो इट इज अ बाउंडेड फंक्शन एंड बाउंडेड फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। Bounded function will never be a periodic function. तो ये अगर minus 2 pi से 4 pi sin x को ले रहे हैं तो हम इसको कहेंगे not periodic. सुन मतलब कोई periodic को लेके minus infinity से plus infinity. कुछ पूछ रहे हो? सर तो मतलब ये periodic function का domain, कोई periodic function हो उसका domain R होगा हमेशा। हाँ उसका domain नहीं, उसका उसमें भी अभी मैं समझा रहा हूँ एक चीज, उसका डोमेन आर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अभी पहले इसको नोट करो, मैं बता रहा हूँ।
अगर कोई एक पॉइंट डोमेन में नहीं है तो उस इंटरवल के बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो भी डोमेन में नहीं होगा। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ये बताता हूँ, वी ऑल नो द ग्राफ ऑफ tan x। यस सर। tan x जो है वो पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता, पाई बाई टू इज नॉट इन इट्स डोमेन, वैसे ही माइनस पाई बाई टू पे भी डिफाइन नहीं होता है, इस तरीके से चला जाता है। अगर हम tan x की ग्राफ की बात करें, ऑब्वियसली जब हम tan x की बात कर रहे हैं तो ओवर रियल नंबर कहना है, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है? है सर। है, लेकिन इसके डोमेन में तो 2n plus 1 पाई बाई टू नहीं है। मैं एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट में मुझे टाइम। यस आई एम सॉरी, तो tan x पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। आई एम ऑडिबल ना एवरीवन? यस सर। हेलो। हाँ, तो tan x पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन tan x का डोमेन में पाई बाई टू नहीं होता है, देन थ्री पाई बाई टू नहीं होता है, माइनस पाई बाई टू नहीं होता है, माइनस थ्री पाई बाई टू नहीं होता है। तो पॉइंट ये है कि जहां पर ये डिफाइन नहीं है, जो इसका पीरियड होता है फंडामेंटल पीरियड, दैट इज पाई, tan का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, तो जहां पर यह डिफाइन नहीं है वहां से पाई के इंटरवल के बाद आगे जाए या पीछे जाए वहां पर भी ये डिफाइन नहीं है। मतलब दिस नेचर इज कंसिस्टेंट, इट्स डोमेन इज रियल नंबर एक्सेप्ट 2n plus 1 पाई बाई 2। तो पॉइंट ये है कि जहां पे इसका डोमेन में वैल्यू नहीं है, पाई इंटरवल के बाद अगर हम पाई इंटरवल के आगे जाते हैं तो वो भी डोमेन में नहीं है, फिर पाई इंटरवल के आगे जाएंगे वो भी डोमेन में नहीं है, पाई इंटरवल पीछे जाएंगे तो वो भी डोमेन में नहीं है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे साइन के ग्राफ में क्या था जो मैंने एग्जांपल दिया था कि माइनस टू पाई से लेके फोर पाई तक अगर हम उसको बाउंड कर दे रहे हैं तो ये वाली वैल्यू तो डोमेन में है, ये वाली, लेकिन टू पाई इंटरवल के बाद वाली वैल्यू डोमेन में है ही नहीं। तो ये इररेगुलरिटी tan x में नहीं है। अगर कोई चीज डोमेन में नहीं है तो फंडामेंटल पीरियड के बाद जो अगला पॉइंट आने वाला है वो भी डोमेन में नहीं होगा, या पिछला जो पॉइंट आने वाला है वो भी डोमेन में नहीं होगा। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि f ऑफ x प्लस टी जो है वो f ऑफ x होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। तो हम जो डोमेन सेलेक्ट कर रहे हैं उस डोमेन में ये फॉलो हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। इज दिस टेक्निकल पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस। ओके गुड। तो ये स्पेसिफिकली हाईलाइट करके लिख देना कि बाउंडेड ग्राफ जो है वो पीरियोडिक नहीं हो सकता है। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जो ग्राफ होगा वही पीरियोडिक होगा। उसमें ये हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स डोमेन में नहीं हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो डोमेन में नहीं होंगे वो ऑब्वियसली फंडामेंटल पीरियड के बाद अगले पॉइंट भी डोमेन में नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पॉइंट है और फंडामेंटल पीरियड के बाद फिर अगला पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है हर इंटरवल के बाद। अच्छा, पीरियड निकालने के लिए अगर कुछ फंक्शन ऐसा दिया हुआ हो विच इज मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन नहीं है, लाइक वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, यशवर्धन ने कहा कि कांस्टेंट फंक्शन को पीरियोडिक कह सकते हैं। यस यशवर्धन, कांस्टेंट फंक्शन को पीरियोडिक कह सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट जो फंक्शन होता है That is a periodic function, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, बट
is a periodic function, but its fundamental period is not defined. कोई बता सकता है fundamental period इसका not defined क्यों होगा? तो क्योंकि हम कोई दो consecutive real number के बीच का space define नहीं कर सकते. हाँ, मतलब जो t होता था वो smallest positive value होती थी, जिसके बाद function अपने आप को repeat करता है. लेकिन यहाँ पर जब कांस्टेंट फंक्शन लोगे तो कांस्टेंट फंक्शन तो अपने आप को थ्रू आउट रिपीट कर रहा है, तो कोई भी वैल्यू अगर तुम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हो, मान लो 0.01 लेते हो, तो उससे छोटी एक और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 0.001, उस पर भी वो रिपीट कर रहा है, फिर उससे भी छोटी वैल्यू आ जाएगी 0.0001. तो जीरो से बड़ी कोई एक वैल्यू तुम नहीं बोल सकते हो कि इसके बाद ये रिपीट कर रहा है, क्योंकि जीरो से जस्ट बड़ा कोई नंबर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है. और 0.100 बार जीरो लेके भी वन लेंगे तो उससे भी छोटा एक पॉजिटिव नंबर हमें मिल सकता है. सर हम ये कह सकते हैं टी अप्रोचेस जीरो, मतलब टी डिफाइन नहीं है बेसिकली. अप्रोचेस जीरो ऑब्वियसली इट इज अप्रोचिंग जीरो, लेकिन t को तुम डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, उसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू बोलोगे. अप्रोचेस जीरो का कोई सेंस नहीं बन पाएगा. Now I'm talking about, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है और इसका फंडामेंटल पीरियड टी दिया हुआ है और तुम्हें एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का फंडामेंटल पीरियड निकालना है, तो दिस विल ऑलवेज बी टी बाई मॉड ए. अच्छा, ए ऑफ एफ एक्स प्लस बी अगर होगा तो इसका फंडामेंटल पीरियड वही टी रहेगा. इनपुट में चेंज अगर नहीं कर रहे हो तो आउटपुट में चेंज करने से फंडामेंटल पीरियड चेंज नहीं होता. इनपुट में चेंज करोगे तो टी बाई मॉड ए हो जाएगा. ग्राफ प्लॉटिंग हमने किया था, आज मैं एक ग्राफ का क्वेश्चन भी दूंगा और देखता हूं तुम लोगों ने उसको कितना अच्छे से रिवाइज किया है. तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ ग्राफ, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो हमने किया था, उसमें हमने अलग अलग तरह के केसेस लिए थे इफ यू रिमेम्बर. तो उसमें अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ, हाँ सर, हाँ बोलो सर, जैसे अगर हम वो बी के आगे सी डी ई एफ कुछ भी ऐड करते तब भी ये टी बाय मॉडल सही रहेगा ना? हाँ हाँ, कुछ भी ऐड करते, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है ना. एक्चुअली क्या हो रहा है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी में क्या हो रहा है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो मान लो कि कोई फंक्शन होगा ऐसा साइन फंक्शन. अब इसमें अगर तुम एक्स में कुछ ऐड करते हो तो दिस फंक्शन सिंपली शिफ्ट, ये शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसके ये स्ट्रेच या कॉम्प्रेस नहीं होगा, तो इसका पीरियड वही रहेगा अगर हम शिफ्ट करते हैं. लेकिन अगर हम इसके एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जैसे ए को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो दिस गेट्स स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड. ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये साइन एक्स का ग्राफ था, ये हमने साइन एक्स प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर कर लिया सपोज, इसको शिफ्ट कर दिया, तो उससे पीरियड में कोई फर्क नहीं आया, वो टू पाई ही रहेगा. लेकिन अगर मान लो हम करते हैं साइन टू एक्स का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, तो साइन टू एक्स का ग्राफ मतलब दिस ग्राफ विल गेट कंप्रेस्ड बाय टू यूनिट्स, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा ऐसा. तो जहां पर ये है ये वाला पॉइंट, ये पाई वाला पॉइंट है, अब ये जीरो से पाई हो गया. एज यू कैन सी जीरो से पाई में टू एक्स, जब तुम एक्स को जीरो से पाई ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो टू एक्स है जो इनपुट है वो जीरो टू टू पाई हो जा रहा है, तो वो जीरो से पाई में ही रिपीट करने लगा, तो इसीलिए इसका जो पीरियड हो गया वो टी बाई टू हो गया, मतलब टू पाई बाई टू, विच इज पाई. इज दिस क्लियर? यस सर. ग्राफ को राइट शिफ्ट करो या लेफ्ट शिफ्ट करो, अपवर्ड शिफ्ट करो या डाउनवर्ड शिफ्ट करो,
उससे पीरियड में चेंज नहीं आएगा। पीरियड में चेंज कब आएगा? जब ग्राफ या तो कंप्रेस होगा या स्ट्रेच हो जाएगा, और वो कब होता है? जब हम इनपुट में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ डिवाइड करते हैं। तो एक ग्राफ का क्वेश्चन भी देता हूं जिससे पीरियड का भी क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होगा तुम्हारा। cos x का ग्राफ हर किसी को पता है, cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। इसमें जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, ये टू पाई है। वैसे ही यहाँ पर ये माइनस पाई बाई टू है, माइनस पाई है, ठीक है। तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है। नाउ इफ आई आस्क यू टू फाइंड द ग्राफ ऑफ कॉस टू एक्स प्लस पाई बाई टू, तो कैन यू डू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस? यस सर, करो ट्राई। इसमें दो चीज हो रही है, एक एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी किया गया है और उसके बाद ऐड किया गया है, तो देर इज अ शिफ्टिंग ऑल्सो एंड देर इज अ कंप्रेशन ऑल्सो, कंप्रेशन या इलोंगेशन जो भी हुआ होगा, श्रिंकिंग इलोंगेशन या कंप्रेशन, तो दोनों काम हो रहा है। अब यहाँ पर तुम कैसे इसको प्रोसीड करोगे, पहले तुम ट्राई कर लो फिर मैं बताऊंगा। मैं देख तो नहीं सकूंगा तुम्हारा ग्राफ, लेकिन तुम जब ट्राई कर लो तो बता देना कि ट्राई कर लिया है, तो उसके बाद फिर मैं ये वाला ग्राफ बना के दिखाऊंगा और तुम्हें क्रॉस चेक कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे इस ग्राफ में बता सकते हो? सर ये साइन ग्राफ बन जाएगा, मतलब शिफ्ट कर देंगे। पहले शिफ्ट करेंगे, ओके। एनीवन एल्स? पीरियड निकालेंगे। पीरियड तो छोड़ो, वो तो पीरियड तो अभी क्वेश्चन, अभी ग्राफ कंप्रेशन कंप्रेस, पहले कंप्रेशन करोगे। तो समवन इज सेइंग कि पहले कंप्रेशन करेंगे एंड समवन इज सेइंग कि पहले शिफ्टिंग करेंगे, तो पहले शिफ्टिंग करोगे या पहले कंप्रेशन करोगे, दैट इज द पॉइंट। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले ट्राई कर लो, ट्राई कर लो फिर बताते हैं। यहाँ पर ऑर्डर काफी मैटर करेगा, अगर तुमने शिफ्टिंग और कंप्रेशन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया तो गलत ग्राफ भी आ सकता है। तो पहले क्या करना है ये सोचना जरूरी है। तो ध्यान से देखना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, और ये कॉन्सेप्ट कई जगह काम आएगा। यहाँ पर इनपुट में 2 को मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद कुछ ऐड किया गया है, तो जो प्रोसेस है उसमें पहले इनपुट में 2 मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद उसमें पाई बाई 2 ऐड किया गया है। तो जो काम बाद में हो रहा है, वट एवर यू आर डूइंग लेटर, जैसे पाई बाई टू तुमने ऐड बाद में किया है और पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो काम तुमने बाद में किया है वो ट्रांसफॉर्मेशन पहले करनी है। तो सबसे पहले इसको हम पाई बाई 2 से शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे पाई बाई 2 से, तो कॉस एक्स को कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 का ग्राफ बनाएंगे। अभी 2x नहीं ले रहे, कॉस एक्स का ग्राफ था उससे कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 का ग्राफ बना रहे हैं।
तो cos of x plus pi by 2 का ग्राफ अगर बनाते हैं तो दिस होल ग्राफ विल शिफ्ट बाय पाई बाय 2 इन द लेफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। तो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ये जीरो हो गया, पाई बाय 2 हो गया और ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाय 2 हो गया, ये 2 पाई हो गया और इधर हो गया ये माइनस पाई बाय 2 और ये हो गया माइनस पाई। ठीक है, तो अभी हमने शिफ्टिंग किया। अब इसके बाद कॉस 2x प्लस पाई बाय 2 का ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम ये 2 का काम करेंगे। 2 का काम क्या है कि इसको 2 टाइम्स कंप्रेस कर देना। तो जब हम इसको 2 टाइम्स कंप्रेस करेंगे तो दिस विल बी अ ग्राफ लाइक दिस। और ये हो गया 0, पाई बाय 2 पे माइनस 1 मिल रहा था, अब पाई बाय 4 पे माइनस 1 मिलेगा और ये है पाई बाय 2, ये है सॉरी ये है पाई बाय 2, ये है 3 पाई बाय 4 और ये है पाई। वैसे ही पीछे में भी ये जो पॉइंट है ये माइनस पाई बाय 4 है और ये जो पॉइंट है ये माइनस पाई बाय 2। तो इसको ध्यान से समझ लो कि कॉस 2x प्लस पाई बाय 2 का ग्राफ जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अच्छा, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बनाऊंगा और उससे भी यही ग्राफ बनेगा। मैं अब क्या करूंगा, ये क्लियर हुआ, ये ग्राफ पहले हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं फिर उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। यस। ओके, अब मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता था, कॉस ऑफ 2 कॉमन लेके एक्स प्लस पाई बाई 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ इस गिवन फंक्शन को। अगर मैं 2x प्लस पाई बाई 2 की जगह 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 4 लिख दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। अब जब मैं ऐसे लिखूंगा और उसके बाद इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर सबसे पहले क्या हो रहा है, x पे पाई बाई 4 ऐड हो रहा है, पहला स्टेप हो रहा है x पे पाई बाई 4 ऐड, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 के साथ। तो पहला स्टेप इज अबाउट शिफ्टिंग और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब कंप्रेसिंग। तो जो बाद में किया जा रहा है दैट इज 2 से मल्टीप्लाई, वो हम पहले करेंगे। तो इस वाले का ग्राफ भी बनाएंगे इस तरीके से तो सेम ग्राफ निकल के आएगा, वो भी बना के लिखा, सेम ग्राफ निकल के आएगा। तो लेट मी इरेज सम ऑफ द पोर्शन फ्रॉम हियर, ये हटा दे रहा हूँ। अब जो लेफ्ट में हमारे पास सबसे नीचे ब्लू ग्राफ आया है वो ग्राफ सेम आना चाहिए अगर तुम दूसरे वाले तरीके से करोगे। तुमने 2 को कॉमन लेके x प्लस पाई बाई 4 बना दिया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब यहां पर सबसे पहले हम करेंगे कंप्रेशन। तो cos x का ग्राफ हमारे पास है, अब हम लेंगे cos of 2x का ग्राफ, तो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होके क्या बनेगा, ऐसे 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 इस तरीके से बनेगा और जब कंप्रेस होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट पाई बाई 2 था ये हाफ होके पाई बाई 4 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर ये वाला पाई हो जाएगा, इसी तरीके से ये वाला माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ये मैंने कंप्रेस कर दिया है। अब इसके बाद कॉस 2 टाइम्स एक्स प्लस पाई बाई 4, इसको शिफ्ट करना है बाय अ डिस्टेंस पाई बाई 4 लेफ्ट। तो इसको पाई बाई 4 डिस्टेंस से लेफ्ट में मैं शिफ्ट कर रहा हूं इस ग्राफ को। तो cos 2 टाइम्स x प्लस पाई बाई 4 को जब हम पाई बाई 4 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान देना ग्राफ पे, शिफ्ट कर रहे हैं बस। तो अब ये वाला पॉइंट 0 है और ये वाला पॉइंट पाई बाई 4 है, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 4 है, ये पाई है और ये वाला माइनस पाई बाई 4 है और इस तरीके से। Now if you analyze both the graphs are actually same. ये जो मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर और ये वाला जो ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है, दोनों identical ग्राफ है।
क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन के ग्राफ हैं, लेकिन उसको प्लॉट करने का तरीका हम लोगों ने अलग किया है। पहला तरीका ये था कि हमने पहले शिफ्टिंग की, उसके बाद उसको कॉम्प्रेस किया। दूसरे तरीके में हमने क्या किया, पहले कॉम्प्रेस किया फिर शिफ्टिंग की। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो जो एक्टिविटी एक्स के साथ इनपुट के साथ बाद में हो रही है उसको पहले करना है और उसी ऑर्डर में फॉलो करना है, तब तुम्हारे पास करेक्ट ग्राफ निकल के आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, नाउ इट्स पीरियड इज ऑब्वियसली पाई। पीरियड तो तुम डायरेक्ट कॉस 2x प्लस पाई बाय 2 से लिख सकते थे, इसका पीरियड इज टी बाय 2, दैट इज 2 पाई बाय 2 व्हिच इज पाई। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ के बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि अलग-अलग तो हमने कर रखा था, शिफ्टिंग, कंप्रेसिंग, शिफ्टिंग अपवर्ड डाउनवर्ड या कंप्रेसिंग अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट, ये सब हमने अलग अलग किया था, लेकिन एक ही साथ सारा कुछ दिया हुआ हो तो तुम कैसे करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर अगर हम पहले वाले में पहले उसे श्रिंक कर देते तो क्या होता, फिर गलत ग्राफ निकल पाता, जो ग्राफ तुमको चाहिए था वो ग्राफ नहीं निकल पाता। वो तुम चेक कर सकते हो ना यहाँ पे, जैसे cos 2x plus pi by 2 का तुम वैल्यू निकालना चाहते हो, x को 0 पुट कर दो, x is equal to 0, तो cos of pi by 2, cos of pi by 2 क्या होता है, 0 होता है, तो x को 0 पुट करने पे 0 मिल रहा है, हाँ यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन अगर तुमने गलती से उल्टा ऑर्डर फॉलो कर लिया होता तो हो सकता था कि f ऑफ 0 वुड नॉट बी 0, गेटिंग इट? यस सर। तो कुछ पॉइंट्स पुट करके, रैंडम पॉइंट पुट करके, x को 0, x को पाई बाई 4, इस तरीके से कुछ कुछ पुट करके तुम चेक कर सकते हो कि जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है और जो ग्राफ का आउटपुट है वो सेम आ रहा है या नहीं। लेकिन अगर हम उसे पहले श्रिंक करेंगे टू टाइम्स फिर उसमें पाई बाय 2 ऐड करेंगे फिर भी तो सही ही मिल रहा है शायद, मतलब मैंने तो ट्राई किया सर सही भी तो मिल रहा है। ये बोर्ड मास का रूल है, सिंपली बोर्ड मास फॉलो कर रहा है, जो बोर्ड मास इन द सेंस की जो एक्टिविटी, मतलब बोर्ड मास एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, तो जो भी इनपुट में चेंजेस हो रहे हैं उसके ऑर्डर के हिसाब से ये चेंज कर रहा है, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो तीन स्टेप्स इन्वॉल्व, पहले तो तुमने ओरिजिनल फंक्शन बनाया, दूसरा ये वाला स्टेप है, फिर तीसरा ये वाला स्टेप है। तो इसकी बात कर रहे हो या दूसरे वाले की बात कर रहे हो? सर cos 2x plus pi by 2, cos 2x plus pi by 2, हाँ, तो इसी की बात कर रहे हो ना, जो पहला मेथड हमने लगाया। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि पहले शिफ्ट किया है उसके बाद कंप्रेस किया है। तो अगर तुम उल्टा देखो, 3 से 2 में जाओ, 2 से 1 में जाओ, तो जो 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 इफेक्ट बाद में हुआ है उस पर वो इफेक्ट तुम्हें उल्टे ऑर्डर में पहले दिखेगा। सर लेकिन अल्टीमेटली कॉस नहीं मिल रहा ना, क्या बोल रहे हो, अल्टीमेटली सर ग्राफ तो सही मिल रहा है लास्ट में, मतलब हाँ सही मिलेगा ऑब्वियसली, नहीं लेकिन अगर तुमने ऑर्डर चेंज कर दिया होता तो सही नहीं मिलता। नहीं नहीं सर, मैं ऑर्डर चेंज करने की बात कर रहा हूँ, पहले हम उसे श्रिंक करेंगे उसके बाद पाई बाय 2 से शिफ्ट करेंगे। पहले श्रिंक नहीं, तो वो तो ऑर्डर चेंज हो गया ना सर, एक बार आप प्लीज कर दीजिए, बना के अभी कर देता हूँ। देखो अगर हमने ये गलती की होती, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट साइड वाला इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो हमने ये गलती की होती, मान लो जैसे तुमने कहा है
हम क्या करते हैं कि पहले cos ऑफ 2x लेते हैं, ठीक है? तो cos ऑफ 2x अगर ले रहे होते तो ये श्रिंक करके ऐसे हो जाता, यहां से cos x से cos 2x, तो ये 0, ये pi by 4, ये pi by 2, ये 3 pi by 4 और ये pi, इस तरीके से हो जाता। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, cos 2x, cos 2x प्लस pi by 2 बनाने के लिए इसको pi by 2 से शिफ्ट कर रहे हैं टू द लेफ्ट। अगर हम ये ऐसा काम कर रहे हैं, दिस इज एरर एक्चुअली, ये सही नहीं है, लेकिन अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं इसको pi by 2 से, तो ग्राफ जो pi by 4 वाला पोर्शन है वो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसे 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 ये ग्राफ बन के निकल के आएगा। यस सर, दिस नॉट द ग्राफ व्हिच वी आर गेटिंग लाइक दिस। यस सर, तो ये ग्राफ गलत ग्राफ आ गया। अब यहां पर तुम x को 0 पुट करोगे तो cos ऑफ pi by 2 शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन cos ऑफ x को 0 पुट करने पे ये -1 दे रहा है, गलत वैल्यू दे रहा है। यस सर, तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम श्रिंक कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि अगले स्टेप में तुम्हें फिर क्या करना चाहिए था, पाई बाई फोर से शिफ्ट करना चाहिए था। ये जो 2x प्लस पाई बाई टू किया ना, ये ना करके cos 2 टाइम्स कॉमन लेके x प्लस पाई बाई फोर लिखना चाहिए था, और उसके बाद पाई बाई फोर से शिफ्ट करते तो तुम्हारा बात बन जाता। I think it is clear to everyone, na? Yes, sir. किसी को कोई? Okay. Now period में एक चीज और हमें समझनी है, वो भी अभी देख लेते हैं, इसको erase कर रहा हूँ। अगर कोई function fx और कोई फंक्शन जी एक्स एड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जहाँ की एफ एक्स का पीरियड टी वन है और जी एक्स का पीरियड टी टू है, तो ये जो टोटल फंक्शन है एच एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसका पीरियड एक्चुअली होता है एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू। इसमें भी कभी कभी एक्सेप्शन आ जाता है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मोस्टली इस तरीके से हम निकालते हैं। इसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल पहले ले लो, साइन एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है? इसका तुम्हें पीरियड निकालना है। तो साइन एक्स का पीरियड होता है 2π, टैन एक्स का पीरियड होता है पाई। तो जब तुम दोनों का एलसीएम लोगे 2π और पाई, that would be actually 2π, this common multiple जो होगा, तो this will be the period of hx, sin x plus tan x का जो period होगा वो 2π हो जाएगा। अच्छा, मैं दूसरा example तुम्हारे सामने एक और देता हूँ। gx is a function which is fraction part of x plus tan x, इस gx का period निकाल सकते हो? This is a question for you. सर पाए कैसे? सर ये फ्रैक्शनल पार्ट में तो कोई पीरियडिक फंक्शन है ही नहीं, तो उसका पीरियड जीरो मान सकते हैं और टैन का पाए होता है? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक नहीं हुआ तो पूरा पूरा फंक्शन का कोई पीरियड ही नहीं होगा, पूरा फंक्शन ही नॉन पीरियडिक हो जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड क्या होता है? यशवर्धन सिंह पाई, हाँ वन होता है, करेक्ट। और टैन एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई। पाई। तो अब तुम्हें निकालना है एलसीएम ऑफ वन एंड पाई, क्या निकल के आएगा? सर तो कुछ टाइम पहले जब किसी ने पूछा था कि ये पीरियोडिक फंक्शन, अच्छा वो शायद ऑड इवन के लिए, नहीं इवन ऑड, इवन ऑड में पूछा था। ओके ओके सर, मैं वही कंफ्यूज हो गया। फ्रैक्शन पार्ट तो पीरियोडिक होता है, इस तरीके से होता है।
इट इज अ पीरियड ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट पे आपने आपको रिपीट करता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट पीरियडिक, फ्रैक्शन पार्ट इज पीरियडिक. तो एलसीएम ऑफ 1 कॉमा पाई क्या होगा, नॉट डिफाइंड, कोई एलसीएम ही नहीं हो सकता इन दोनों का. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है, इरैशनल और रैशनल का कोई एलसीएम ही नहीं होता है. तो ओवरऑल जी एक्स इज नॉट पीरियडिक. रैशनल और इरैशनल का कोई एलसीएम नहीं हो सकता. जैसे यशवर्धन ने कहा कि एलसीएम ऑफ 1 कॉमा पाई इज पाई, इसको कैसे कह सकते हो? इस एलसीएम का क्या मतलब होता है कि दोनों नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ऑब्टेन करते हैं. तो पाई को तो 1 से मल्टीप्लाई करके पाई मिल गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई से. पाई इज नॉट अ नेचुरल नंबर ना, तो एलसीएम इज नॉट डिफाइंड ऑफ 1 एंड पाई. तो इसका भी ध्यान रखना है कि अगर दोनों नंबर हैं तो दोनों रैशनल होने चाहिए, या दोनों इरैशनल ऑफ द सेम मल्टीपल. ऐसा ना हो कि एक पाई हो और एक एक एक्सपोनेंशियल हो, या कोई और इरैशनल नंबर हो, एक रूट टू हो, तो भी उसका एलसीएम नहीं निकल सकता. जैसे टू पाई और पाई, इसका एलसीएम निकल रहा है. टू पाई को टू वन से मल्टीप्लाई करके टू पाई मिल जाएगा, और पाई को टू से मल्टीप्लाई करके टू पाई मिल जाएगा. तो दोनों नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके तुम्हें टू पाई मिल रहा है. एलसीएम लेते टाइम इस बात का ध्यान रखना. हाँ बोलो. तो किसी का पीरियड ही है, दूसरे का पाई है, तो पाई इनटू ही पॉसिबल है ना? नहीं, किसी का पी है, दूसरे का पाई है. टी एक का ई है, ई 2.7 वाली वैल्यू ई. हाँ, तो इसका भी पॉसिबल नहीं होगा. ये दोनों डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं, इनका भी कोई एलसीएम नहीं निकलेगा. ओके सर. एलसीएम का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो दोनों को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलती है. तो ये ई और पाई दोनों डिफरेंट इरेशनल नंबर है. सर एचसीएफ तो डिफाइन, एचसीएफ तो डिफाइन हुआ. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो भी तुम नहीं ले सकते इसका एक्चुअली, क्योंकि वो भी तुम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, उस वन हो सकता है, लेकिन वन को किस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके ई लोगे? नेचुरल नंबर से तो नहीं मल्टीप्लाई होगा ना? यस सर. ओके. अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है. एक दो क्वेश्चंस जो आते हैं जहाँ पे एग्जाम में थ्योरी से थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, रीजन बीइंग कि वो कुछ उस तरह का फंक्शन होता है. जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स है, दिस इज द फंक्शन इफेक्ट्स. तो इसका पीरियड जब तुम निकालोगे तो साइन एक्स का पीरियड हमें पता है 2π होता है. साइन एक्स इज लाइक दिस, ये साइन एक्स है. और अगर तुम मॉड ऑफ साइन एक्स ले रहे हो तो मतलब जो भी निगेटिव वैल्यूज हैं वो ऊपर में ही प्लॉट हो जाएंगे ऐसे, तो मॉड ऑफ साइन एक्स मिल जाएगा. तो एज यू कैन सी द पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स इज पाई, इसका पीरियड पाई होता है. साइन एक्स का 2π होता है लेकिन मॉड ऑफ साइन एक्स का पाई होता है. वैसे ही मॉड ऑफ कॉस एक्स का भी पीरियड पाई होता है. तो दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई, लेकिन इसका पीरियड पाई नहीं होता है, उससे भी एक छोटी वैल्यू है पाई बाई टू, वो इसका पीरियड होता है. आंसर इज पाई बाई टू. तो ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि तुम एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू अगर निकालते हो तो क्या हो जा रहा है कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स का मॉड हो जा रहा है प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स का मॉड हो जा रहा है. साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज कॉस एक्स, ये cos x का मॉड हो गया. एंड cos pi by 2 plus x is actually minus sin x, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो plus sin x उसको लिखा जा सकता है. तो ये जो तुम्हें मिल रहा है this is actually same as fx. तो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि तुम x में pi by 2 ऐड कर रहे हो, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू जो x पे थी वही है. इसका सिंपल सा मतलब है कि pi by 2 is its period, fundamental period.
तो पाई से भी छोटी एक वैल्यू हमें मिल जा रही है। तो ये एक दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर जनरली दोनों फंक्शन इंटरचेंज हो जाता है, साइन और कॉस इंटरचेंज हो जा रहा है, और इंटरचेंज होने के बाद मॉड लगा हुआ है इसलिए वही फंक्शन फिर से आ जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम फंडामेंटल पीरियड पाई बाई टू लेंगे, पाई नहीं लेंगे। Yes, sir, clear. Is this clear? Sir, यहाँ पे अगर हम मॉड ना ले तो मॉड नहीं लेंगे तो फिर ये पीरियोडिक नहीं होगा, ये जो पूरा फंक्शन है पीरियोडिक मतलब 2 पाई हो जाएगा फिर। फिर तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर लेते हो तो फिर इंटरचेंज भी नहीं होगा, और ये इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, तो ओवरऑल पीरियड विल बी 2 पाई, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई। मॉड से क्या हो रहा है ना कि पाई बाई 2 पे एक तो एक दूसरे में चेंज हो जा रहा है और दूसरा मॉड से साइन एब्जॉर्ब हो जा रहा है। सर हाँ आपने क्या बोला अभी, मतलब वो इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं? हाँ यहाँ पर इंटरचेंज नहीं होगा ना इस वाले में जहाँ पे मॉड नहीं है। अगर प्लस कर रहे हैं तो इंटरचेंज नहीं, लेकिन अगर मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाने का इंटरचेंज हो जा रहा है। नहीं तो पाई बाई टू माइनस थीटा नहीं कर सकते ना, पीरियोडिक क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो हम कोई कॉन्स्टेंट टी से ऐड कर सकते हैं, दैट टी इज सम पॉजिटिव वैल्यू से ऐड कर सकते हैं, तो वो टी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर मिल रहा है पाई बाई टू। समझ गया सर। So I think everyone is clear on this. तो ये आज लास्ट क्लास थी एक्चुअली हमारी, हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी, और इसको नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास इन मे बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको क्या बोल रहे हो हर्षित? सर वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। हाँ वो करना है, अब एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ उसको बीच में किसी चैप्टर के बाद कर लूँगा, या तो क्योंकि दैट इज अ पोर्शन ऑफ बोर्ड ओनली और काफ़ी सिंपल सा है, एक क्लास की बात है, एक क्लास में ओवर हो जाएगा वो, तो या तो मैं नेक्स्ट क्लास में वही कर दूंगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मोस्ट प्रॉब्ली, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो वो सर ऑपरेशंस भी है, बाइनरी क्या बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस तो बोर्ड में नहीं है, उससे हटा दिया है सर, ये जेई के सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में तो कुछ भी नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन जेई मेंस में कभी कभी आया था क्वेश्चन इसमें से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से, तो वो तो फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बाइनरी ऑप्शन तो ना बोर्ड में रहा है ना जेई में रहा है। रिलेशंस ही की बात कर रहे हैं, रिलेशंस इज सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, बेसिकली ये तीन तरह के रिलेशंस के बारे में हमें पढ़ना होता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बोर्ड मेनली, तो उसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, वही कर लेंगे एक तरीके से, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सर fx = √x को हम ऑड और इवन का सम कैसे शो करेंगे? fx is equal to root x को odd और even का sum show करना है, okay? इसको मैं clear कर रहा हूँ। root x plus root of minus x, लेकिन real real नहीं रहेगा ना, imaginary हो जाएगा। ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम इमेजिनरी वाला कंसीडर करते हैं लेकिन माइनस एक्स इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक्स इज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन बट माइनस एक्स इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एफ इज जीरो टू इन्फिनिटी,
टू जीरो टू लिखते हैं। तो सिंस डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो हम कर नहीं सकते, एक्चुअली रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। मतलब ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज भी हो, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हम ले रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज भी हो, तभी ऑड और इवन का सम हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यूज नहीं है डोमेन में तो फिर नहीं प्रूफ कर सकते। ओके सर। सर सर वो लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या बोला था कि जो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स था उसको हम पाई बाई टू प्लस थीटा वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, और फिर सर मैंने पाई बाई टू माइनस थीटा से बोला तो आपने बोला कि वो माइनस एक्स है इसलिए नहीं हो सकता ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीरियोडिसिटी होती है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम एक्स में कुछ ऐड करना चाहते हो तो साई एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू पे चेक कर लो, ठीक है। तुमने पाई बाई टू को फंडामेंटल पीरियड कंसिडर करने की सोची, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि माइनस एक्स पे नहीं करना है हमें, तो एक्स पे करना है, एक्स को चेंज नहीं करना है हमें, पीरियड है टी उसको चेंज करना। अगर टी की जगह हम पाई बाई टू माइनस टू एक्स रखते हैं तो हमें तो टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ना, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इट इज अ कांस्टेंट नंबर। समझ गया सर। हाँ, अगर हमें किसी भी जनरल तो हमारी आवाज कट गई, किसी भी जनरल फंक्शन अगर हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अच्छा, किसी भी जनरल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ, वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व, डोमेन निकालना और उसके अलावा उसमें मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एसिम्प्टोट्स, तो वो सब हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर करेंगे उसके बाद निकालना सीखेंगे। यस सर। वैसे ग्राफ्स जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के आते नहीं हैं, मतलब अगर थोड़ा आते भी हैं तो सिंपल फंक्शंस के ही आते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो उसका भी तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकोगे अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर कर लोगे तो। ठीक है, सो लेट अस कंक्लूड टुडेस क्लास। और किसी का कोई डाउट है? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।